नमस्कार, मैं निष्ठा शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, राम जन्मभूमि पर बनेगा मंदिर। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि विवादित जमीन केंद्र सरकार के रिसीवर के पास रहेगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार 3 महीने के अंदर एक ट्रस्ट बनाए जो राम मंदिर निर्माण का कामकाज देखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े का केस खारिज कर दिया। हालांकि निर्मोही अखाड़े को ट्रस्ट में जगह देने के लिए अनुमति को स्वीकार कर लिया गया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में मिलेगी 5 एकड़ जमीन। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में किसी उपयुक्त स्थान पर 5 एकड़ जमीन दे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि एएसआई की यह साबित नहीं कर सका है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड भी अपना मालिकाना हक साबित नहीं कर सका। 1857 में रेलिंग लगने के बाद सुन्नी बोर्ड यह नहीं बता सका कि ये मस्जिद समर्पित थी। कोर्ट ने कहा राम जन्म स्थान पर एएसआई की रिपोर्ट मान्य। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एएसआई की रिपोर्ट में यह निष्कर्ष आया था कि यहाँ मंदिर था, मंदिर होने के सबूत है, संबंधित स्थल पर ईदगाह का मामला उठाना आफ्टर थॉट है, जो मुस्लिम पक्ष द्वारा एएसआई की रिपोर्ट के बाद उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम जन्म स्थान पर एएसआई की रिपोर्ट मान्य है। राम मंदिर के पक्ष में फैसले में एएसआई की रिपोर्ट काफी अहम साबित हुई। कोर्ट ने माना अयोध्या में विवादित भूमि सरकारी है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले पर फैसले में कहा कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार विवादित भूमि सरकारी है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम संतुलन पर चलेंगे, किसी के पक्ष में नहीं जाएंगे। कोर्ट ने शिया वक्फ बोर्ड का दावा एकमत से खारिज कर दिया। सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा है कि हम 1946 के फैजाबाद कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली शिया वक्फ बोर्ड की सिंगल लीव पिटीशन खारिज करते हैं। सर्वोच्च अदालत ने राम जन्मभूमि को नहीं माना व्यक्ति। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि राम जन्मभूमि कोई व्यक्ति नहीं है जो कानून के दायरे में आता हो। आस्था के आधार पर फैसले नहीं लिए जा सकते हैं। हालांकि ये विवाद सुलझाने के लिए संकेतक जरूर हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अंग्रेजों के शासनकाल में राम चबूतरा और सीता रसोई में पूजा हुआ करती थी। इस बात के सबूत है कि हिंदुओं के पास विवादित जमीन के बाहरी हिस्से का कब्जा था। कोर्ट में दोनों पक्षों ने की 25 घंटे 50 मिनट तक जिरह। करीब 400 वर्ष पुराने अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगातार 40 दिन सुनवाई करने के बाद आज फैसला सुनाया। कोर्ट में सबसे ज्यादा बहस विवादित जमीन की मालिकाना हक को लेकर हुई। हिंदू पक्षकार ने पहले 16 दिन में 76 घंटे 35 मिनट तक मुख्य दलीलें रखी, जबकि मुस्लिम पक्ष ने 18 दिन में 71 घंटे 35 मिनट तक पक्ष रखा। 5 दिन में दोनों पक्षों ने एक दूसरे की दलीलों पर 25 घंटे 50 मिनट तक जिरह की। प्रधानमंत्री मोदी ने करतारपुर कॉरिडोर का किया उद्घाटन। 70 वर्षों से भारतीय सिखों को जिसका बेसब्री से इंतजार था, वो ख्वाहिश आज पूरी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया। करतारपुर कॉरिडोर गुरदासपुर जिले में स्थित डेरा बाबा नामक गुरुद्वारे को पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब गुरुद्वारे से जोड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के लिए रवाना किया। उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने बेर साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका। करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुल्तानपुर लोधी पहुंचे और गुरुद्वारा श्री बेर साहिब में माथा टेका। इस दौरान पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल भी मौजूद रहे। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि जब बिना किसी रोक टोक के भारतीय श्रद्धालु करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के दर्शन कर सकते हैं। आज ही टूटी थी बर्लिन की दीवार, करतारपुर अयोध्या में बना इतिहास। 9 नवंबर का दिन इतिहास के पन्नों में पहले से ही दर्ज है। एक बार फिर इसी दिन इतिहास रचा गया। एक तरफ जहां अयोध्या मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया, तो वहीं आजादी के बाद पहली बार करतारपुर कॉरिडोर की शुरुआत हुई। इससे पहले आज ही के दिन बर्लिन की दीवार को गिराया गया था। यह दीवार पश्चिमी बर्लिन और जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच अवरोध थी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ लाइव।